आई एम श्योर बहुत सारे लड़के लड़कियां जो मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं बड़े गौर से आपकी बातें सुनते भी हैं और हमें भी बहुत मैसेजेस आते हैं कि यार वसीम भाई को बुलाएं oh. उन्हें बताएं हमें उनसे I'd उन उन्हें कहें कि हमें बताएं कि oh. मीडिया में आने के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं क्या ऐसी नॉलेज है क्या ऐसी डिग्री है एजुकेशन है जो उनके पास होनी चाहिए सो आई थिंक अब तो ज़रा माहौल डिफरेंट है अब तो हर इंस्टीट्यूट कोई ना कोई एजुकेशनल मतलब कोई बैकग्राउंड है मीडिया का हर किसी के पास कोई ना करा रहा है तो अब तो मैं कहूँगा कि डिग्री होना बहुत अच्छी बात है उस ज़माने में

है क्या है मुझे लगता है कि मेहनत नियत हो तो रास्ता बन जाता है ना रस्ता बन जाता है जिस तरह का है, कैंपस था लेकिन एक बड़ा चैलेंज था वो ये कि ए की मैंने एमबीए की फर्स्ट की फीस पे कर दी थी हाँ. और उन्होंने कहा कि हम क्रेडिट आवर्स ट्र, ट्रांसफर कर देंगे अब मैंने के बाद अब मैं जैबिस के पोल खोलते हुए दुबई में क्या था ये एआरवाई का ऑफिस है दुबई मीडिया सिटी बिल्डिंग नंबर नाइन यहाँ से नजर आ रहा है सामने नॉलेज सिटी जहां पर जैबिस का कैंपस है यार ये क्या तो ये आप भी आप सीन अल्लाह ताला ने भी बड़ा सिलसिला बनाया तो जैबिस वालों ने कहा कि भाई पॉलिसी पैसे वापस नहीं होंगे ये पैसे जाए हैं और वो पैसे मतलब ठीक ठाक उस जमाने के और हमारे लिहाज से वो ठीक ठाक होते थे तो फिर हमने लेकिन यही सोचा कि चलो अल्लाह मालिक है तो फिर वो जाके जेबिस् दुबई जाके दोबारा उसकी फीस भरी तो मुझे याद है कि मुझे तो पहला जो चेक जो मिलता था एयर वे से उसको मैं इस तरह डिवाइड करता था कि इतने पैसे जेबस्ट के हैं इतने पैसे हर तीन महीने बाद फ्लाई करना है पाकिस्तान तो उसके हैं इतने पैसे एक लैपटॉप खरीदना है पहले सेविंग से तो उसके हैं और इस तरह करके चलते थे सो so, क्या करना चाहिए डिग्री बिल्कुल लेनी चाहिए नंबर वन नंबर टू आई थिंक आपको खुद जरा आइडिया हो जाता है कि आप क्या काम अच्छा कर सकते हैं क्या नहीं हर बंदा हर काम नहीं कर सकता मैं अच्छा डायरेक्टर नहीं बन सकता तो मैं अगर शायद अगर मैं अच्छा एंकर हूं थोड़ा बहुत तो इसका मतलब ये अच्छा गारंटी नहीं कि मैं अच्छा डायरेक्टर बन सकू तो बंदा देख ले कि वो क्या काम सही कर सकता है मीडिया की फील्ड के लिए फिट भी है या नहीं या मीडिया में भी किस फील्ड के लिए फिट है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार शॉर्टकट नहीं है शॉर्टकट नहीं शॉर्टकट चाहिए सबको आप स्मार्ट वर्किंग करें जिसके जरिए चार महीने की मेहनत वाला काम दो महीने की मेहनत में हो जाए तो वो अलग मामला है लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप किसी का सिर्फ आउटपुट देखेंगे रगड़ा है ऑल्सो तो जिस फील्ड uh, में या जिस पोजिशन पे आप हों उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है वो आपको खुद ही एम श्योर खुद भी करते हैं ना हालांकि yes, yes, आप जी, खुद रिसर्चर भी जी, रह, जी, रह जी, चुके हैं ऐसे भी बड़ी बड़ी मजे <laughs> यार आपके जबरदस्त आपकी हाँ कहानी है कि आप मतलब ट्रैफिक अपडेट से आपने शुरू किया फिर एक शो में आप होस्ट को रिसर्च करके देते थे कंटेंट। बिल्कुल ऐसे ही है फिर वहां से आपने न्यूज कास्टिंग की फिर आप होस्ट बने न्यूज अफेयर्स के फिर आपने रमजान ट्रांसमिशन भी की अब आप हर लम्हापुर जोश आपका जो शो है क्रिकेट से रिलेटेड वो भी आप कर रहे हैं एंड माशाप्रज वेल यू रनिंग अ बिजनेस ये जो प्रोग्रेस करने की एक लगन है कि यार एक के बाद एक दूसरी चीज करनी है उसके बाद कुछ और करना है ये हमेशा से थी फैमिली क्योंकि इस तरह का बिजनेस बैकग्राउंड है इस वजह वजह से था था ये ये क्या है भी था, लेकिन एक अपनी अप्रोच भी थी वो ये कि यार फेलियर से घबराना नहीं है तो ट्राई करेंगे अगर नहीं चला कोई मुकाम तो ठीक है कोई मसला नहीं है तो मैंने जब मुझे रमान ट्रांसमिशन का कहा गया जमशेद साहब के साथ जिनसे मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं थी आई आई टू टू एडमायर

एक एसोसिएट या एक जूनियर एंकर है जिसने लिंक्स देनी है द दे शो वी रन बाय जुनेद भाई तो मैं ठीक है सो so, ये एक अप्रोच थी मेरी कि यार ट्राई करने में क्या हर्ज है इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि मैंने ट्राई किया कोई चीज़ नहीं चलेगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे

पाकिस्तान के लिए गायव नगमे yes. तो आज तो उनकी याद वैसी ज़्यादा आ रही है वेरी ट्रू अब मैंने जो बहुत सारी बातें सीखी एक का तो मैंने हमेशा तस्करा भी किया है वो मैं सिर्फ दोहरा देता हूँ बाकी एक और बात जो मैं आज कर देता हूँ वो मैंने ये सीखी मैंने यार ज़िंदगी में कभी अच्छा खासा टाइम साथ गुजरा है ट्रैवलिंग साथ की है बराबर बराबर में हमारे अपार्टमेंट्स होते थे रमजान में पाँच साल इस तरह गुजरे ये काफ़ी टाइम होता है किसी बंदे को समझने के लिए मैंने ज़िंदगी में कभी एक मरतबा एक सेकंड के लिए उनके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी मैं इस पर कसम खा सकता हूँ सुनी ही नहीं आज तक उन लोगों की भी नहीं सुनी जिन लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा किया था मैं एक कदम आगे जाता हूं ऐसा हुआ कि मैंने कभी किसी के बारे में कुछ गलत कहा कि यार जुनेद भाई इसने आपके साथ ही अच्छा नहीं किया था यार तो उन्होंने पता ही क्या किया हाँ हाँ सही और बताओ आजकल तो यानी बात ही तब बदल दी कि उस बात ही ना हो कहते था यार छोड़ो यार बस कोई मसला नहीं तो एक तो ये बात मैंने सीखी लेकिन दूसरी बात जो मैंने सीखी जुनेद भाई से कि भाई जजमेंटल नहीं होना है किसी के बारे में भाई ने ये नहीं किया कि वो एक ट्रैक पे थे और उन्होंने फिर वो ट्रैक चेंज किया उन्होंने कभी भी ये नहीं फील कराया किसी शोबिस के ही बंदे को उनके सामने भी या पीठ पीछे भी जो कि मैंने सामने बहुत साथ बहुत गुजारा है कि यार तुम लोग जो है ना वो कोई दुनिया के कोई सबसे बहुत ही बुरा आदमी हो तो मैंने इसीलिए इसको बुरा समझाया इसलिए मैंने इस चीज को छोड़ दिया और यानी उन्होंने वो हमेशा यही कहते थे और उसको तो इसका इजहार करते थे कि यार अल्लाह के नजदीक कौन कितना करीब है मैं ही नहीं कोई जो इस बारे में कोई सर्टिफिकेट दू किसी को किसी की फील्ड किसी का शोभा किसी का कुछ सोच के पता नहीं अल्लाह के नजदीक कौन कितना करीब है तो भाई अपनी फिक्र करो और बाकी हर फील्ड के बंदे को वेलकम करो तो मैं देखता था उनके पास सिंगर एक्टर्स ये सब लोग आते थे और इतना कंफर्टेबल फील करते थे और वो कहते थे कि यार वरना हम इतना कम्फर्टेबल फील करते नहीं है इस तरह सो uh, so मैंने ये सीखा है कि भाई जजमेंटल नहीं होना किसी के भी बात अपनी फिक्र करें बस बाकी अल्लाह उनकी मगफरियत फरमाया और अब उनकी बात हो रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई उनका नगमा कुछ हो जाए बोल आए ना यहाँ पे कोई एक जबरदस्त सा मतलब ट्रिब्यूट जुनेद जमशेद चौदह अगस्त पे जुनेद भाई के लिए तालियां अल्लाह उनको गरीके रहमत करे ठीक तो अगर आप इजाजत दें हमने जुनेद भाई के नगमे से बात की Sure उनकी रूह बहुत खुश होगी अगर हम पाकिस्तान कोई ही को ही नगमा गाते हैं चौदह अगस्त भी है बहुत सारे हमारे हमारे नहीं है और कितने तो अगर मैं ये वतन तुम्हारा क्या, क्या, क्या आपका शो है अच्छा सर, आज आज सर, आज आप आप मेरे हैं अरे सर बस मैं आपका असिस्टेंट हो आप बोले ठीक है से है इस जमीन का हर जर्रा आफताब तुमसे है ये फजा तुम्हारी ही है बहरो तुम्हारे हैं और कहकशा के ये जाले रह गुजर तुम्हारे हैं ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास वास क्या बात है ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमा खास के अब जैसे जुनेद भाई हम सबसे कह रहे बाबा